सभी मतदान कर्मियों ने पोलिंग बूथ पर दी अपनी उपस्थिति। कलेक्टर संदीप माकिन ने की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। 7 मई को दतिया जिले में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाना है, जिसमें जिले भर में बनाए गए पोलिंग बूथों पर करीब 3000 कर्मचारियों को चुनावी मतदान केंद्रों पर ड्यूटी के लिए लगाया गया है। दोपहर 3 बजे तक जिले भर 85 पिंक बूथ महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित पोलिंग बूथ, 2 बूथ दिव्यांग और करीब 1080 अन्नदाता मतदान बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर संदीप माकिन ने सभी जिलेवासियों से अधिक मतदान करने की अपील की है। साथ ही पहली बार चुनाव ड्यूटी में भाग लेने वाली महिला कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव में चुनावी ड्यूटी लगाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए सभी मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की है। शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। कल दिनांक 7 मई मंगलवार को दतिया जिले में भिंड लोकसभा के लिए मतदान होना है। भीषण गर्मी में आज सभी मतदान दल लगभग 3000 से 3500 कर्मी जो हैं आज मतदान कर्मी चुनाव कराने गए हैं। 167 रूटों पर बसें भेजी गईं, सारी व्यवस्था करके उनको भेजा गया है। और मेरी जनता से ये सभी से अपील है कि वो कल बढ़ चढ़कर जो निर्वाचन में भाग लें और देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूनम मित्तल है, मैं माध्यमिक शिक्षक मेरठ में हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए। मेरी P1 पर ड्यूटी लगी हुई है लोकसभा निर्वाचन में। नमस्कार, मेरा नाम शोभना सिंह है और लोकसभा निर्वाचन में प्रथम बार मेरी ड्यूटी लगी है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि कल मतदान करने 7 मई को अवश्य आएं और इसमें भागीदार बने।